नाज़रीन, जहां कोरोना वायरस के चलते मेडिकल डिपार्टमेंट इन दिनों खासी चर्चा में है, अखबारों और टेलीविजनों की सुर्खियों में है, और इनकी हौसला अफजाई के लिए कहीं फूल निछावर किए जा रहे हैं तो कहीं इनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिला राजौरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आल जे एंड के SRO 24 के तहत लगे हुए कंट्रेक्चुअल वर्कर्स को 4 अप्रैल को टर्मिनेट कर दिया गया, और इन वर्कर्स ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना देकर जमकर नारेबाजी भी की और एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इन वर्कर्स ने हम क्या चाहते इंसाफ के नारे भी बुलंद किए। एक तरफ तो दफा 144 नाफिज हुआ है और दूसरी तरफ लॉकडाउन भी है, लेकिन इन्होंने किसी भी चीज की परवाह ना करते हुए आज जमकर नारेबाजी करते हुए, इन वर्कर्स का कहना था कि 4 अप्रैल से इस वक्त तक हम मुसलसल 15 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन आपका महकमा के ऑफिसरों के कान पर जू तक नहीं रेंगी। हमने बार बार टेलीविजन अखबार के वसादत से इनके कानों तक आवाज़ें तो पहुंचाई, लेकिन हमसे ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे हम कभी मेडिकल महकमा का हिस्सा थे ही नहीं। SRO 24 के एम्प्लॉयज़ हैं GMC राजौरी के, जिनको टर्मिनेट किया है 4 अप्रैल को। आज हम कंटिन्यू सर 15 डेज से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट स्टिल हमें ऐसी कोई भी सिंगल होप नहीं मिली है जिससे हमें ये लगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं वो प्रॉपर हमें सुन रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग हमें सुन नहीं रहे हैं, हम प्रॉपर मीडिया के चैनल के थ्रू मैसेज कन्वे करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे उन लोगों से हम बातचीत भी कर रहे हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे LG सर से या अतुल डुल्लू सर से है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, अगर वो हमें सुन रहे हैं, उन्होंने हमें कोई रिस्पांस नहीं देना है, नेगेटिव रिस्पांस भी देना है, लेकिन स्टिल वो हमारी आवाज़ को इग्नोर क्यों करना चाहते हैं? या तो वो यूथ से डर रहे हैं कि यूथ का कैरियर स्पॉइल हो गया है, अब यूथ हमें छोड़ने नहीं वाली है। ठीक है, वो बार बार हमें यही याद दिलाते हैं आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि जिससे भी हम बात करते हैं वो कहते हैं आप लोग क्यों लड़ रहे हो, आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। मुझे आज तक एक SRO ऐसा बताओ, एक भी हेल्थ पॉलिसी ऐसी बताओ जिसमें उन्होंने एफिडेविट नहीं लिया था और जिसमें उन्होंने ये मेंशन नहीं किया था कि आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। SRO 384 में भी सेम टर्म्स एंड कंडीशन थी, वो लोग लास्ट 11 ईयर से क्यों काम कर रहे हैं? मैं चैलेंज करती हूँ बीजेपी सरकार को। जैसे आप सब लोग जानते हो कि COVID-19 को लेकर इस टाइम पूरी दुनिया परेशान है, हमें बड़े दुख के साथ आज इन बच्चों को यहाँ पे स्ट्राइक करने का मौका मिला। मैं आपके मीडिया के चैनल्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक्सफुल हूँ कि आपने कीमती टाइम निकाला और इन मासूम बच्चों की बात जो है आप हुक्मरानों तक पहुँचा रहे हो। आज आपको पता है एक हेल्थ एमरजेंसी चल रही है, जहाँ पे इटली और ईरान और बाहर के मुल्क में, अमेरिका जैसे मुल्क में जो आपने आपको सुपर पावर समझते थे, आज वो भी घुटनों के बाल आ गए। किस लिए आए? इस COVID-19 की वजह से। ओके, आप एक आम आदमी, एक आम मजदूर, एक घर का आदमी है, आप उसको हेल्थ प्रैक्टिस दे रहे हो COVID-19 से लड़ने के लिए, पर जहाँ एक जो COVID-19 को समझते हैं, जो दिन रात काम कर रहे थे, आपने उनको टर्मिनेट कर दिया और उस सिचुएशन पे किया जहाँ पे आज भी हमें हेल्थ की जो बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये बड़े दुख की बात है। और मैं आपके दिमाग में एक बात बैठाना चाहता हूँ, SRO 24 में 5 मेडिकल कॉलेज थे, और बड़े दुख की बात कहना चाह रहा हूँ मैं, चेड़ा गया तो सिर्फ राजौरी और कठुआ के मेडिकल कॉलेजों को चेड़ा गया, कश्मीर, अनंतनाग और बारामूला, डोडा ऐसे ही है क्या? आज हमें ये यहाँ से दोबारा कहना पड़ रहा है आप कश्मीरियों से डरते हो और इसीलिए नहीं आपने उन कॉलेज के बच्चों को भी टर्मिनेट किया? आपने किया और राजौरी और कठुआ के लड़कों को किया। मैं अपनी तरफ से मोदबाना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और अभी मेरी बहन कह रही थी कोई भी सियासी लीडर जो नहीं आ रहा, हमारे फॉर्मर मिनिस्टर शबीर खान साहब इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, आज़ाद साहब तक मेल गई है, कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस इनके साथ खड़ी है। मैं मोदवाना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इनको जल्दी रीस्टेट करें, रीस्टेट करने से ये COVID-19 के लिए सुबह शाम लड़ रहे थे क्या?